संयुक्त तत्वावधान में वृहत विधिक सेवा शिविर का आयोजन महानगर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में सामाजिक एवं न्यायिक जागरूकता जगाना था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायाधीश डी के अरोड़ा, जिला न्यायाधीश गोविंद वल्लभ मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज अतिथियों का स्वागत करके किया गया। इस दौरान अतिथियों को मोमेंटो भी भेंट किया गया। एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच पे अपना अपना बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड सर। मैं मैडम जुग्ना शर्मा से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय का स्वागत। मैं राज्य विधिक सेवा का कि वो मैडम ऊर्जा शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक, ऊर्जा अज्ञानता को दूर करने वाला, ज्ञान रूपी और अंतोगत्वा जीवन को सृजित करने का प्रतीक। आज का जो ये शिविर है उस उद्देश्य में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान, रोशनी प्रकाश जो अज्ञानता को दूर करता है, हमें सक्षम और सामर्थ्य बनाता है। मेगा लोक अदालत में मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता, जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके तत्काल बाद इस विधिक सेवा शिविर को संबोधित करते हुए प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है। इस तरह के आयोजन से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी बोध होता है कि धीरे धीरे इसे ही हमारी चेतना का स्तर बढ़ रहा है। कुछ देर से सही, लेकिन मैं यहाँ उपस्थित आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि हमारा चेतना का स्तर, और जब हम चेतना की बात करते हैं तो जब विधिक चेतना, और विधिक चेतना का अर्थ जो विधि के शासन को उन्नत करने के लिए जो हमारी हर तरह की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चेतना को व्यापक बनाने में सहयोग दे, वह चेतना। विधि चेतना का अर्थ सिर्फ कानून का परिचय कराना नहीं है। हम 70 वर्ष से एक लोकतंत्र के नागरिक हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हैं, जहाँ पे कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन प्रिवेल करता है। ज्योत्सना जी ने अभी कहा कि हम विधि की चेतना का स्तर सभी में, सभी पक्षों में, आप सब में और सर्विस प्रोवाइडर्स में, दोनों में ही बढ़ाना चाहते हैं। उनकी बात कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी व्यवस्था के अंदर यदि व्यक्ति का भरोसा इस चीज में है कि उसे न्याय मिलेगा, तो ये मान के चलिए कि वह व्यवस्था हमेशा मजबूत होगी। हो सकता है कि ऊपर हमें यह लगे कि हमारा तंत्र कमजोर हो रहा है, लेकिन यदि व्यक्ति का भरोसा इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में है, और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम केवल अदालतें नहीं है, हमारे सभी तंत्र, हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी जुडिशरी, हमारे और दूसरे सिस्टम्स, अगर इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हमारा लेजिस्लेचर जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स बना रहा है, जो भी इनेक्टमेंट्स दे रहा है, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, अगर यह भरोसा हमारे को है, हमारे आम नागरिक को यह भरोसा है, तो हमारा सिस्टम हर दिन, हर पल, हर क्षण मजबूत होता रहेगा।
अपने उद्बोधन के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कॉलेज प्रांगण में लगे अलग अलग स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इन स्टॉलों के अंतर्गत बाल विकास, पुष्टाहार, NDRF, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित कई स्टॉलों का मुख्य न्यायाधीश ने विधिवत निरीक्षण किया। हॉस्पिटल्स का, कई मैटरनिटी होम्स का, सर नहीं आंगनबाड़ी केंद्रों का होता है सर, और जो टीकाकरण होता है उसमें 7 लाख देते हैं। ये सर, ये जो गर्भवती माताएं होती हैं उनका जब 6 महीने का प्रेगनेंसी हो जाता है, कहाँ कैसे कैसे क्या लेना है, कुल मिला के पोषण के लिए सर जो पेंशन योजना सर करते हैं, सामूहिक विवाह योजना सर सर शुरू हुई है, प्रधानमंत्री आवास। अच्छा अच्छा, इसके बारे में जानकारी। चलो माध्यमिक शिक्षा विभाग रेलवे का देखिए, वो छोटे छोटे बच्चे व्हाइटनर का वो नशा का वो हो जाता है, शिकार हो जाता है, उन लोगों को हम लोग सर पुलिस गोरखपुर संकेत उनको पहचानना सीख लीजिए, कहाँ कहाँ क्या संकेत दिए गए चौराहे पे। के लिए।